गुड मॉर्निंग। बस अभी अभी एक्चुअली गेट पे कोई आया यार, और मेरी उनसे बात हुई तो दिमाग ख़राब हो गया सुन के कि व्हाट हैज़ हैपेंड। एंड दे हैव आस्क्ड मी टू रिकॉर्ड इट एंड दैट्स व्हाई आई एम रिकॉर्डिंग इट। आप थोड़ा सा ब्रीफली बता दो क्या हुआ है। गाइस दिस इज नॉट अ रेगुलर व्लॉग, ये एक ऐसा वीडियो है जहाँ मैं चाहता हूँ कि इसकी मैक्सिमम रीच हो। प्लीज इस वीडियो को आप लोग शेयर करो, जब पूरा देख लेंगे आपको पता चलेगा कि मैं सब क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये आजकल बहुत ही ज्यादा चलन में है। दो लड़कियां थी जो हमारी जानकार थी, मतलब इमीडिएट जानकार तो नहीं, बट किसी के थ्रू जानकार हो गई, एंड दे केम टू मीट अस। आई वॉज स्लीपिंग, मुझे नहीं पता था। रितु ने डोर खोला एंड रितु ने उनसे बात की, एंड जब बात करके मुझे भी बताया तो आई वॉज ऑल्सो शॉक्ड। कोई तो उनका फ्रेंड बन गया यूके में। एंड पहले आप ये स्टोरी देखो। मेरा नशा बंदी है, मेरे साथ 32 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ है। यूके से किसी ने मुझे मैसेज किया था, मेरे फ्रेंड ने, मेरी थोड़े दिन तक बात हुई उससे, उसने बोला एड्रेस दो, मैंने उसको अपना एड्रेस दिया, देन उसने गिफ्ट भेजे एयरपोर्ट पे, कि उसके बाद से वहाँ से मेरे साथ फ्रॉड होना शुरू हो गया। फ्रॉड कैसे हुआ उसके बाद आपके साथ? उन्होंने बोला कि यहाँ पे आपका पैकेज आ गया है, आपको कस्टम ड्यूटी भी करनी पड़ेगी, आपको टैक्स पे भरना पड़ेगा, आरबीआई को देना पड़ेगा, ये सब फॉर्मेलिटी सारी ड्यूटीज पे करनी पड़ेगी। उसको देते देते मैंने लोन लिया नेपाल से, ग्रेजुअली उनके अपना पैसा लगाया, अपनी सेविंग लगाई, मैंने 32 लाख रुपए वेस्ट कर दिया अपने। लेकिन जैसे अगर बच्चे उन्होंने टैक्स वगैरह अगर दिया लिया भी, उसके बाद व्हाट डिड ही ट्राई टू डू? वो जो आप कह रहे थे कि पैसे उन्होंने चुपकाए हुए थे उसमें। हाँ, उन्होंने बोला कि आपके पैकेज में करेंसी भी है यूके की। ये कस्टम वालों ने बोला? नहीं, जो एयरपोर्ट पे जिन्होंने सामान रिसीव किया है उन्होंने बोला है। ये उन्होंने वीडियो कॉल किए प्रॉपर मुझे कि मैम ये वीडियो कॉल है, अब अपना सामान देख लीजिए। उन्होंने सामान दिखाया लेकिन करेंसी बाद में दिखाई उन्होंने मुझे कि मैम ये करेंसी भी है। ये कस्टम वालों ने आपको बताया? कस्टम वालों ने नहीं, कस्टम वालों फिर मैंने जाकर के एयरपोर्ट पे सब कुछ पता किया, पर कस्टम वालों ने कि अगर बाहर से एक भी करेंसी आती है इंडिया में तो एक कॉइन भी अलाउ नहीं है। तो उस बंदे ने मतलब मेनली एक बॉक्स भेजा आज जो आपके नाम का गिफ्ट था। हाँ। जिस और जिसमें उसने पैसे रखे। हाँ। यूके की करेंसी भेजी ताकि आप पर फ्रॉड हो, और इसलिए आपने उसको पैसे दिए। लेकिन आपने उसको पैसे क्यों दिए? आपको कस्टम को देना चाहिए था। अगर कस्टम आप पे केस कर रहा था तो आपने कस्टम को क्यों नहीं दिया, एयरपोर्ट को क्यों नहीं दिया? वही तो मैम, वो बोला मैं एयरपोर्ट से ही बोल रहा हूँ। अच्छा, तो आपने किसी का फोन आया आपके पास? मैं एयरपोर्ट से ही बोल रहा हूँ मैम, वीडियो कॉल रिसीव करिए मेरी। तो मैंने वीडियो कॉल से की, उन्होंने पैकेज दिखाया, मैं अभी आपका पैकेज रखा हुआ, मैंने कहा ठीक है क्या, लेकिन मैं 25 किलो का है, मैंने देखा उस पे वीडियो में 25 किलो का। यार वो तो फिर वो असली में वो एयरपोर्ट से कॉल थोड़ी ना थी, वो तो कॉल उस बंदे की साइड से ही थी। बड़ी तो उसके बाद आपने पैसे ट्रांसफर किए उसको? हाँ मैम, उन्होंने बोला कस्टम ड्यूटी पे करिए, आपका पैकेट बाहर से इसलिए ज़्यादा लगे। मैंने बोला कि मैं बोला 26,000 रुपये, तो मैंने कहा चलो ठीक है। बाद में बोला उन्होंने कि इसमें करेंसी भी चुकी हुई है 40,000 pound sterling। फिर मैंने, मुझे आइडिया नहीं था कि इसका कितना होता है इंडियन रुपीज के अकॉर्डिंग, तो उन्होंने बोला 40,27,000 रुपये होते हैं। तो इस तरह करके फिर मैंने बोला कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का केस बन जाएगा मैम, आपको और पे करना पड़ेगा। मैम मेरे पास सारे सर्टिफिकेट हैं, उन लोगों तो यार अगर बना के देते रहे बेटा वो सब। लेकिन बेटा अगर मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनेगा तो लेट द गवर्नमेंट सेंड यू द केस के डॉक्यूमेंट्स ना। आप किसी को वीडियो कॉल करके हाउ कैन यू इवन बिलीव बच्चे कि भाई वो ये है। मैम जिस फ्रेंड ने वीडियो बनाई कि गिफ्ट मैम यहाँ कह रहा 24 घंटे में आ गया, उन्होंने भी वही सेम वीडियो बना के भेज दी, मैं उसमें बिलीव करती रह गई, सब कुछ उसमें चला गया मेरा। मैम इस बंदे का शक्ल फोटो कुछ तो होगा? हाँ मैम है मेरे पास, जिस लड़के ने भेजा है, जिस लड़के ने भेजा है, जो एयरपोर्ट वाला बंदा है जिसने फोन किया था, कुछ तो उसका। Yes, और आपने जो कंप्लेन की होगी पुलिस में? मैंने राय बरेली की पुलिस में? मैं पहले नोएडा पुलिस गई हूँ मैम, सबसे पहले थी, उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स मुझसे लिए। पुलिस ने लिया है आपसे डॉक्यूमेंट्स? यस मैम, रजनीश शर्मा। नहीं, आप मुझे उस बंदे का नंबर दिखाओ, क्योंकि सो दैट इफ आई कैन पुट इट इन द वीडियो, कोई जानता हो कुछ हो, और तो उतना मिलेगा नहीं। मैम ये नंबर है यूके का? ये तो बेटा फ्रॉड नंबर है, ये तो भाई ये यूके का बंदा भी नहीं होगा।
शक्ल वकल आपने गिफ्ट किसी से एक्सेप्ट कर लिया ऐसे बिना जाने उसको, नहीं तो आपने अपना एड्रेस दे दिया कि भेज दो गिफ्ट मेरे लिए, आपने उसकी शक्ल वकल या कोई ये सब फेक है भाई, ये सब फेक है, ये तो बंदा भी नहीं होगा ये। इस वक्त मेरा बिल्कुल दिमाग खराब हो गया यार, कैसे 26-26 साल के पढ़े लिखे बच्चे इन सब चीज़ों में फंस जाते हैं भाई। नंबर एक चीज़ है भाई, कुछ भी हो, इफ़ समबडी एज यू टू डिपॉजिट मनी, चाहे वो किसी, चाहे ब्लैकमेल करके हो, चाहे कुछ भी हो, शाउट मैन शाउट, शाउट आउट टू योर पेरेंट्स, टू पुलिस, कि भाई कोई मुझे इस तरीके से ब्लैकमेल कर रहा है यार। मतलब इफ द अदर पर्सन मेक यू बिलीव कि आपसे गलती हुई है, आप फंसोगे, आप पे मनी लॉन्ड्रिंग लगेगी, भाई रीच आउट टू योर एल्डर्स, रीच आउट टू योर पुलिस, रीच आउट टू द सर्विसेज विच यू हैव। आप खुद कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो भाई, कैसे कर सकते हो, मतलब मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया। पढ़े लिखे बच्चे अगर ये करें तो जो बूढ़े हैं, जो और छोटे बच्चे हैं, वो तो फंसेंगे फंसेंगे इन सब फ्रॉड्स में। 32 लाख, आई एम वंडरिंग हाउ कैन यू समवन इवन। और यार आप किसी को वीडियो कॉल, व्हाट्सएप, इन सब चीज़ों के थ्रू कैसे ब्लैकमेल होके ये सोच सकते हो कि आपने क्राइम किया है और जो आप पे क्राइम के वो लगा रहा है कि वो सही है। यार अगर कुछ भी है देन एवरीथिंग हैज़ टू हैव अ लीगल प्रोसीजर ना। अगर आप पे केस बनता भी है, अगर आप ट्रैप हो भी जाओ रियलिटी में, मनी लॉन्ड्रिंग में या किसी भी चीज़ में, लेट दी अथॉरिटी रीच आउट टू यू, लेट दी कस्टम अथॉरिटी कम टू यू एंड टेल यू कि भाई तुम्हारे साथ ही हुआ है। उनको पेपर पे देने दो, उनको कोर्ट केस डालने दो, व्हाटएवर। आप ये क्यों सोच लेते हो कि हाँ आपसे क्राइम हो गया एंड देन यू आप ब्लैकमेल हो के आप पैसे देना स्टार्ट कर दो। मतलब आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज किसी के बहकावे, क्योंकि आजकल ऑनलाइन फ्रॉड इतनी बड़ी इंडस्ट्री हो गई है, ये एक ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री का इसने शेप ले लिया है। ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री आई मीन की प्रॉपर हायरार्की है, प्रॉपर प्रोटोकॉल है, प्रॉपर स्टेप्स हैं इनके जो ये फॉलो करते हैं आदमी को स्कैम करने के लिए। सेक्सटॉर्शन एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से बात करता हूँ जो कि लॉ के जानकार हैं। सेक्सटॉर्शन में इतने लोग फंसते हैं आजकल, आपको एक वीडियो कॉल आता है जिसमें सुंदर सी लड़की की डीपी होती है, जैसे ही आप कॉल एक्सेप्ट करते हैं, रैंडम कॉल होता है, उसमें एक न्यूड लड़की आपके सामने आ जाती है, आपका भी वीडियो आता है, बस वो उतना सा वो 5 सेकंड का रिकॉर्ड कर लेते हैं, फिर आपको ब्लैकमेल करते हैं, और अगर आप उनको पैसे नहीं देते तो आपके वो सिस्टर, मदर, फादर, उन सबको वीडियो भेजना शुरू कर देते हैं और बोलते हैं कि वो पब्लिक में लगा देंगे, सोशल मीडिया में लगा देंगे। डर के मारे बच्चे उनको पैसे दे देते रहते हैं। प्लीज मत पढ़िए, ये सब फ्रॉड चीजें होती हैं। अगर आपको कहीं से फोन भी आता है कि हम इस थाने से बोल रहे हैं, आप यहाँ आ जाइए, अगर नहीं आएंगे तो आपके ऊपर FIR हो जाएगी, आपने ये क्राइम किया है, आप हमको ये साइन करके दे दीजिए, इस पेपर पे साइन करके दीजिए, नहीं तो FIR होगी। आप उनको बोलो आप भाई साहब पहले FIR करके भेजो, उसके बाद मैं कोई एक्शन लूंगा, बिना कागज की कार्रवाई के आपने कुछ नहीं करना है अपने हाथों से। कोई आपको ट्विटर पे बोले, कोई आपको फेसबुक पे बोले, कोई आपको व्हाट्सएप पे बोले, अगर आपने इतना पैसा नहीं दिया तो आपको जेल में डाल देंगे, FIR में बंद कर देंगे, आपके ऊपर लीगल एक्शन ले लेंगे। आप उनको बोले मुझे कागज दिखाइए जहां पे एक सरकारी ठप्पा हो, अगर वो होता है तो उसके बाद हम कोई एक्शन लेंगे। मुंह जबानी अगर आपने कोई एक्शन ले लिया, किसी के पास कोई पैसे ट्रांसफर कर दिए, तो आप हो चुके हैं भाई साहब उस फ्रॉड का शिकार। और ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, जो थोड़ी बहुत मैंने अभी तक की लॉ पढ़ी है, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। इमेजिन करो आपके पास कोई ऐसा फ़ोन आ जाए कि आपके बगल वाले थाने से बोल रहा हूँ, उन बंदों को इतनी प्रैक्टिस होती है कि वो पुलिस किस लहजे में बात करती है उस लहजे में आपसे बात करेंगे, आपको बिलीव करा देंगे कि वो उस थाने से ही बोल रहे हैं, और अगर आपने ये काम नहीं किया उनके खिलाफ, मतलब अगर आपने उनके कहने पर ये काम नहीं किया तो FIR करा देंगे, और FIR से सब लोग डरते हैं कि भाई जेल वेल के चक्कर काटने पड़ेंगे, नहीं चाहिए वो काम, आप कर देते हैं। आपने देखा पेपर पे क्या आपके अगेंस्ट कोई एक्शन होगा, कोई FIR नहीं होगी, जब तक अपने आप आंखों से ना देख लें कोई एक्शन मत लीजिए। 32 लाख इन लड़कियों ने लॉस किया, 32 लाख भाई कमाने में जान निकल जाती है। इमेजिन व्हाट दे मस्ट बी गोइंग थ्रू, इमेजिन व्हाट देयर पेरेंट्स मस्ट बी गोइंग थ्रू, एंड दे आर लाइक एडल्ट्स, 26-year-old एडल्ट्स, एजुकेटेड पीपल। उन्होंने कॉल किया कि हम कस्टम से बोल रहे हो, कस्टम वाले नहीं थे, जो इनका फ्रेंड था यूके का, वो कहीं इंडिया में बैठा होके यूके के नंबर से वो कॉल करते, क्योंकि यूके के नंबर से कॉल आना बहुत ही आम बात है। कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं उनसे आप नंबर ट्रेस करके, वो जैसे होता नहीं है कि कॉल वहाँ रूट होती है, वहाँ से फिर अपने को अपने आपके फ़ोन पर रूट होती है। सो
बिना देखे कि वो एक्चुअली कॉल कस्टम का है कि नहीं है, बिना किसी पेपर वर्क के। अगर होता ऐसा कि भाई आपके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगने वाला है या उसमें कैश आया, तो आपको कस्टम से एक लेटर आता जिसमें कस्टम अधिकारी का साइन और स्टैम्प होता, और अगर उस पैकेट में कैश होता भी तो आप उसके लिए लायबल कैसे हो सकते हैं? किसी और ने गिफ्ट भेजा आपके नाम पे, आप कैसे लायबल हो सकते हैं? थोड़ा सा दिमाग भी लगाया करो। लॉ क्या कहता है? लॉ वही कॉमन सेंस है। अगर आपका कॉमन सेंस कहता है कि आपने वो जुर्म किया है या आप निर्दोष हैं, तो आप वही हैं। उसको प्रूव करना वो लॉयर्स की बात है, वो लॉ की पेचीदा है कि उसको प्रूव कैसे करना है। लेकिन ये काम गलत है या सही है, या आप गलत हो या सही हो, ये कॉमन सेंस से बताया जा सकता है। अगर किसी और ने आपके लिए कोई गिफ्ट भेजा, उसमें कुछ इलीगल सामान है, ड्रग्स है, तो आप कैसे लायबल हो सकते हो यार? या तो आपने उसको रिटर्न में कंसेंट दियो पहले, तो मानता हूँ, बट ऑब्वियसली प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये सब बहुत बढ़ रहा है, इसलिए मैं आज एक रेगुलर ब्लॉग काट के ये डाल रहा हूँ। ये बहुत ही ज़रूरी है, एंड इसको शेयर करें मैक्सिमम। थैंक यू।